कंपनी का अनुभव है, नोकिया कंपनी का बात नहीं करेंगे, देखेंगे। इसके कारण आज बहुत सारे के हाथ में नोकिया मोबाइल नहीं है। ये उदाहरण भी मेरा जवान भाई और बहन हो, इसके अपने जीवन में इस नेगेटिव आदत को जल पाया, आदत लगने में गया, इसलिए आज पूर्ण रूप में एक सक्सेसफुल आदमी के रूप में आप हम पहचानते हैं। वो एक प्रभु का दास का नाम है, एक आदमी का नाम है, ये बहुत बनाने वाला थॉमस एडिसन। ये जो व्यक्ति बनाया ना, वो एक दिन क्या हुआ कि उसके बहुत अच्छा बिल्डिंग था, बहुत अच्छा और सुंदर बिल्डिंग, आग लग गया पूरा, और उसको कोई आगे बोला, सर अब इतना सुंदर बिल्डिंग में आग लग गया है, आप देखने नहीं जाएंगे। वो अपना बेटा को लेकर जाता है बिल्डिंग में, अरे आग लग गया। वो देखता है उसका केमिकल का फैक्ट्री, इतना बड़ा शानदार मंजिल बिल्डिंग, उसका सब प्रकार की डेटा था, उसका वो साइंटिस्ट आदमी हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट आदमी हो, बहुत बनाने वाला आदमी, और उसका कितना साल का परिश्रम था उस जगह पर। वो देखता है और देखते देखने के पूरा राख हो जाता है उसका बिल्डिंग जब खत्म हुआ, और उच्च सी आवाज से अपना बेटा को पकड़ कर बोलता है, प्रभु आपको धन्यवाद हो, और ये किसी बात है, उसका इतना बड़ा परिश्रम बर्बाद हो गया है, उसका पूरा बिल्डिंग जो फैक्ट्री में आग लग गया है, बाप रे बाप, पूरा खाद बन गया है, हरारी भाई कुछ निकाले में देने के लिए, तुम लोग अनुकूल है, प्रभु आपको धन्यवाद, मेरा गलती को आप जला दिया। अरे बाप रे, कुछ गलती नहीं क्या में, मेरा गलती को आपने खाद बना दिया, आपको धन्यवाद। और बेटा को बोलता है, मेरा बेटा माँ को बुला के लेके आओ दौड़ में जाके, और दौड़ के जाता है, मामा हमारे पिताजी हमारा फैक्ट्री को आग लग गया, आपको पिताजी बुला रहा है। जब उसका माँ उसके नजदीक में आता है, और भूमि पर गिर जाता है, वो दुखित हो गया मामा, क्योंकि उसका अपना घर था, अपना वो फैक्ट्री जब खत्म हो गया, तो उसने अपना वाइफ को हाथ से पकड़ के उठाता है, ए वाइफ तू किवे से, और एक ही शब्द बोलता है, बी पॉजिटिव, प्रभु जो करेगा जीवन में कभी गलत नहीं करेगा, तो पॉजिटिव होना होगा, नकारात्मक नहीं सकारात्मक तू होना होगा। और प्रभु से बोलता है, प्रभु अब क्या करना है, जिंदगी में मैंने इतना बड़ा खाक, इतनी थोड़ा खराबी मैंने कहीं भी देखी थी ना प्रभु, इतना बड़ा खाक मैंने क्या कभी नहीं देखा था, इस खाक को मैं क्या करना है, वो खाक से वो खराबी से एक ऐसी मेडिसिन बनाया बोलता है वो साइंटिस्ट, उस मेडिसिन से उस प्रकार की बिल्डिंग उसने 10 बनाया, उस मेडिसिन को पीक कर, उस मेडिसिन को उसने सेल कर, उस खराबी से उस खाक से एक दवाई बनाकर, इस प्रकार से उस दवाई को उसने एक्सपोर्ट किया और कहां कहां भेज दिया, उस प्रकार की बिल्डिंग एक नहीं चार चार बनाया, उस बिजनेस से इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। इसलिए आज आप और हमारे जीवन में हो सकता है सब प्रकार की सपना खाक हुआ हुआ अवस्था में है, सब प्रकार की सपना सब प्रकार की आप और हमारी कल्पना और चाहने बर्बाद हुआ हुआ अवस्था में है, लेकिन जब आप और हम पॉजिटिव हो गए ना, प्रभु हमें आशीष देगा। यह एडिशन प्रभु को बोलना चाहेगा, प्रभु क्या गलत किया मैंने, अरे क्यों मैं आपको ये फैक्ट्री में आग लगने दिया, आप मेरा को बचाना चाहिए था, तो नहीं कुछ कंप्लेन नहीं है। आज बहुत सारी इस प्रकार की कंप्लेन करने की आदत लग गया है प्रभु को, अपने घर के ऐसे हुआ प्रभु, अपने घर के ऐसे हुआ, इसलिए इस आदत से बचना होगा। इसलिए अब हमारे जीवन में कभी भी इस प्रकार के निगेटिव सोचने का आदत नहीं होना है। दूसरे प्रभु के दास के नाम है विलियम कैरी, जिसकी विषय में बहुत सारी किताबें हैं जो आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लैंड में जो अपने देश से इंडिया के कलकत्ता जैसी जगह में प्रभु की सेवा करने के लिए आया, आज से बहुत साल पहले जब अपने दो बेटा का साथ और अपने वाइफ का साथ कलकत्ते में आया, उसको रहने के लिए जगह नहीं था, उस कलकत्ता में उस समय में 10 आदमी 10 पीपल उस जगह पर बंद रहता था, और जब बैठने का जगह नहीं पाया, बहुत मुश्किल से एक पोल्ट्री फार्म में उसको बैठना है, पोल्ट्री फार्म में इतना बदबू आता है पोल्ट्री फार्म में, तो आप और हम जानते हैं, उस जगह पर बैठना है, और मलेरिया के कारण उसका एक बेटा का देहांत हो जाता है, मर जाता है, वो बहुत दुखी थे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ठीक है मेरा बच्चा को आपने इस इंडिया की भूमि से प्रभु के घर में लेके गया, माँ और अपने वाइफ और वो मिलकर दफन कर देता है। समय आया फिर ऐसे हुआ मलेरिया के कारण दूसरी बच्ची का भी मृत्यु हो गया, फिर प्रभु को बोलता है, प्रभु आपको धन्यवाद, ये कैसे है, लेकिन उसका वाइफ से नहीं सका अपना बेटा का मृत्यु, वो पागल बन गया, दिमाग जब पागल बन गया, अपनी वाइफ को शियारते हुए
देखते हुए उसने कहो कि वचन बाइबल को अनुवाद इंग्लिश से हिंदी में, इंग्लिश से बंगाली में क्या करना शुरू कर लिया, प्रभु की वचन को अनुवाद करने के लिए शुरू। पूरे 20 लगाकर, 20 वर्ष लगाकर सुंदर बाइबल ट्रांसलेशन कंप्लीट इंग्लिश से हिंदी और बंगाली में, और प्रभु आपको धन्यवाद हो, बाइबल ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। कल से क्या करना है, इस बाइबल को छापना होगा, प्रिंट करना होगा। इंग्लैंड से उसका दोस्त उसको एक हाथ का मशीन देता है कि आपको बाइबल क्या कर, तू छाप के और सबको और सेल कर देना, और प्रभु का काम इंडिया में बढ़ते जाएगा। प्रभु को धन्यवाद देके सोता है, लेकिन वही घर में रात को आग लग जाता है। जब सूर्य आया तो देखता है कि पूरा घर भी खाक हो गया है, उसका जो डिस्कंटीन्यूअस का जो परिसर ऊपर ऊपर क्या कर रहा है, उड़ रहा है, पूरा खाक बनकर। और दूसरी मिशनरी भी आता है, अरे बाप रे, ये तो पागल हो जाएगा अपनी लेके आ रही। तब सब मिशनरी आके देखा, और देखने के बाद प्रभु को धन्यवाद बोलूंगा। प्रभु को मालूम था इस इंडिया की भूमि में और मेरा को प्रभु की सेवा करना है, इसलिए प्रभु ऐसे होने दिया, कुछ भी कंप्लेन नहीं है मेरा। ये हम देखते हैं पॉजिटिव आदत। इसलिए आज हम विलियम केली के विषय में सुनते हैं, हम बताते हैं। इसलिए मेरा प्रिय जवान और भाई हो, आज आप भी अंदरूनी अवस्था में डिप्रेशन में गया होगा, आपके जीवन में किस किस प्रकार की अवस्था में आपको गुजर के चला जा रहा है। लेकिन याद करना, इस नेगेटिव माइंडसेट और नेगेटिव विटी जो आदत है, इसको आपको हमें त्याग देने से, इससे अपहरण जय प्राप्त करने से हम प्रभु के लिए अपहरण कुछ कर पाएंगे, उतने ही नहीं हम एक सक्सेसफुल आदमी हम बन पाएंगे। पहले आदत। दूसरी आदत देखते हैं, वो है अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करने का आदत, दूसरों के साथ तुलना करने का आदत। ये आपको इतना डरावना आदत है, इससे आपको रुलाएगा, आप तो रोएगा रोएगा, माँ और पिताजी की भी रुलाएगा। इसलिए प्रभु की वचन बाइबल में लिखा हुआ है, आइए दया करके मेरा बहन और स्मार्ट है ये वचन को करेंगे। दूसरी कोरिन्थियों की किताब 10 अध्याय का 12 पद लिखा हुआ है, जो मनुष्य अपने को दूसरे के साथ कंपेयर करता है ना, वो वाइस नहीं है, वो मूर्ख है, बल्कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। दया करके पढ़ दीजिए दूसरी कोरिन्थियों 10 अध्याय के 12 पद, ये साहस नहीं मिला है, आपने को मिला है जी, ना तोड़कर मिलन करके मूर्ख चलाते। हिंदी में, नेपाली में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मनुष्य अपने को दूसरों के साथ तुलना करते हैं वो वाइस नहीं है, वो मूर्ख है करके लिखा हुआ है नेपाली में। इसलिए आप और हमारे जीवन में, मेरे जवान भाई और बहन, इस प्रकार की आदत लग गया है कि हम आप दूसरों से तुलना करते हैं। इस तुलना की वजह से आप और हम जीवन में कभी भी खुशी नहीं हो सकेगा, कंपेयर इसलिए आप और हम नहीं करना है, क्योंकि आप और हम ही इस पृथ्वी में मास्टरपीस है। मास्टरपीस इतना मेरा शब्द होता है, क्योंकि हम जैसे कोई नहीं है, आप जैसे कोई नहीं है, हम आप ही मास्टरपीस होने के कारण हम अपने जीवन में किसी के साथ पूरा नहीं करना है। एक महान आदमी का नाम है, जिसका नाम है एडॉल्फ हिटलर, सुना होगा इस नाम को ना। ये एडॉल्फ हिटलर ने क्या बोला है कि जो जीवन में किसी का साथ अपने आपको पूरा न मत करना, एडॉल्फ हिटलर बोलता है इस प्रकार से, यदि जो मनुष्य अपने को दूसरे के साथ पुराना करता है वो अपने लाइफ को अपमान करता है, वो अपने लाइफ को इंसल्ट करता है। इसलिए आपको हम कभी भी तुलना नहीं करना है। लेकिन क्यों दुखी, आपके पास एक शानदार गाड़ी है, उसको बुझने के लिए आपके पास बड़े बड़े आपका आपका दोस्त का पास कहीं कहीं से बड़ा स्कॉर्पियो और आपसे मर्सिडीज आ जाने से ओ बलेनो का आनंद चला गया, इसका बात तो मर्सिडीज से बड़ा बड़ा स्कॉर्पियो, मेरा पास तो अभी क्या चल रहा है, ये ऑल्डर इंटरनेट, वो आनंद कहाँ चला गया बर्बाद। इसलिए आप और हम बहुत सतर्क होना होगा, हम लोग कभी भी तुलना नहीं करना है। एक दीदी मेरे रूम में आया और रूम पर बोला, मेरा प्रिय भाई लुकास, मेरा घर आइए ना एक दिन। और मैंने बोला, दीदी क्यों आपको घर आना, मैं व्यस्त भी हूँ प्रभु की सेवा के लिए, मेरा बेटा को बता दीजिए, मेरा को बहुत रुलाता है, मेरा को बहुत दुख देता है मेरा बेटा, वो हर वक्त आज क्लास टेन पहुंच गया है, एक ही शब्द वो बोलता है, मेरा माँ तू रोक
तुमने मेरा क्यों जन्म दिया? तुमने मेरा क्यों जन्म दिया कि तुम अच्छा से अच्छा फैसले भी दे नहीं सकते हो? तो जब तीन तपाईहरुले फैसले भी दिन सकतेन भने किन जन्म दिएको? क्यों जन्म दिए कि अच्छा फैसले भी आप मेरा को दे नहीं सकता है? और इसका उत्तर मेरे पास लिए मेरे प्रिय भाई, एक बार आके मेरा बेटा से मुलाकात कर दीजिए। वो ठीक नहीं लगा, दीदी बोल रही मेरा बेटा को बोला और बाइबल लेकर चला गया। एक दिन मैंने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, उसको बोल देना। तब मैंने क्या किया, वो ड्रग्स खाने शुरू कर दिया था और मैं चला गया और बोला, भाई मैं सुन रहा हूँ कि तू इस प्रकार की शब्द प्रयोग करता है कि क्यों जन्म दिया आपको मेरा, अब लोग मेरा को जो फैसले की आप दे नहीं सक रहे मेरे जीवन में। वो भाई बोला, सच में दा मैं बोलता हूं, मेरे को रिग्रेट है लाइफ में, क्यों इस परिवार में जन्म लिया, न मेरा माँ अच्छा है, न मेरा पिताजी अच्छा है, रिग्रेट मेरे लाइफ में। तो क्यों ऐसी करता है, तुम क्यों ऐसी किया भाई? देखो ना भैया, मेरा इतना घनी घनी साथी है, इतना घनी घनी मेरा दोस्त है, उसकी कंपनी में आपने बोल नहीं सकता है, मैं उसकी लज्जित होता हूं, उसके पास इतना पैसा होता है, मेरे पास लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए मेरा को गुस्सा होता है और मेरा माँ और पिताजी को मैं ऐसे बोल रहा हूँ और मैं ड्रग्स भी लेता हूँ, उसकी सिंसियर से बोल दिया मैं टैबलेट खा रहा हूँ। तब मैंने उस भाई को बोला, भाई जिंदगी की इस आदत से तेरा को जीवन में कभी भी उन्नति नहीं होगा कि कंपेयर क्यों करना, तू तो प्रभु का बेटा है, क्यों ऐसे करना है? आज मार रहा है तुम्हारे कारण, पिताजी रो रहे हैं तुम्हारे कारण, लेकिन समय आया वो भाई का जीवन अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बेचारा वो दीदी अपने बेटा को अच्छे फैसले की देने के लिए अपने घर मंदिर छोड़कर दूर जगह पर जाके काम करता है और पैसा भेजता है, लेकिन अभी भी वो भाई ड्रग्स एडिक्ट है और जीवन बर्बाद करने लगा। एक एक आदत से उसका माँ की आंख में आंसू है, उसके पिताजी की आंख में आंसू है, कारण यही है कंपेयर करने का, तुलना करने का आदत के कारण से। मेरे जवान भाई और बहन हो, आप लोग प्रीशियस हो, आप लोग माँ और माँ के दृष्टि मन की दृष्टि में आप लोग प्रीशियस हो, जीवन की इस रास्ते में इस भूल मत करना कि अपने माँ और पिताजी को रुलाना। जीवन में एक बात याद करना है, वो बहुत बदमाश बन गया था एक बार, एक रास्ता में आप लोग जानते भी हो, मेरे माँ ने एक ही शब्द प्रयोग किया था, मेरा बेटा तू मेरा को बहुत रुलाता है, तेरा भैया भी इतना नहीं रुलाया, तेरा दीदी भी इतना नहीं रुलाया, जिंदगी भी इतना याद करना, मेरा जितना आंसू चुने को सब जितना आंसू गया है इसका हिसाब तो चुकाना होगा। जब जीवन के रास्ते में चलते गया, मेरे जीवन में बहुत आंसू बहाने का समय आया, जब वो आंसू को देखता था मेरा माँ बोलता था, तो ये भी एक दिन रुनू पड़स, तुम्हें एक दिन रोना पड़ेगा। मेरे जवान भाई और बहन हो, और मेरे उस भाई को इतना ही बोला, मेरा प्रिया भाई तेरा माँ कभी ये उत्तर दे नहीं पाएगा कि तुमने क्यों जन्म दिया, ये उत्तर तुझे उस समय मिलेगा जब तू बड़ा होगा, जब तू शादी करेगा और जब तेरा बच्चा होगा और वो बच्चा तुझे पूछेगा तुमने क्यों मेरा को जन्म दिया, उस टाइम तुझे उत्तर मिलेगा, अभी नहीं पूछना तू बात। मेरे जवान भाई मैं भी बड़े बाप हूँ दो बेटा का, अभी छोटा छोटा है, इतना वो खुशी होने से मेरा को खुशी लगता है और रोने से मेरा हृदय होता है। आप लोग का खुशी ही अपने बेटा और बेटी का खुशी, माँ और पिताजी का खुशी है, उन लोग का गलती नहीं है गरीब में होना, उन लोग का गलती नहीं है आज वो गरीबी अवस्था में रहना, लेकिन आप जीवन इस कंप्यूटरिज्म के कारण से इस प्रकार की आदत से आज आपने माँ और पिताजी को रुलाए है, तो आज जाकर माफ मांगना, मेरा माँ आज के दिन तक हमने रुला, मैंने कंफर्ट किया मेरा साथी धनी साथी से, अब मैं नहीं करूंगा, इस आदत से आपका जीवन को बर्बाद होगा। पहले आदत हम देखा नेगेटिव सोचने का आदत, इससे आपका भविष्य बर्बाद होगा। दूसरी आदत देखा कमजोर करने का, इसलिए हिटलर ऐसे बोलता है जिसने एक दूसरे से करता है वो आपने आपको इंसल्ट करता है। आपको हमारे गीत गा रहा था ये जवान तुम्हें जवान है कसरी पूछना था, किसी ने भी और जवान को पूछा नहीं जानना है, याद करना ये वो हुआ दूसरी आदत। अब तीसरी आदत है, इसको इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन बोलता है, इसका अर्थ कल करेगा, नेपाली में भोलि गर्छु, सब लोग दया करके बोलिए कल करेगा, फिर जोर से बोलिए, फिर जोर से बोलिए, ये आदत कल करेगा भोलि भरी हाल्छु म करेंगे, वो क्यों नहीं हो रहा है, होमवर्क है ना, माँ बेटा होमवर्क करो, माँ
आंसू बात नहीं करेगा, बिल क्या करेगा, बिना पढ़ना पड़ेगा कांटे से, नहीं 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 मैं सात दिन बाद से हम कल पढ़ेंगे। ये प्रकार की जो आदत है ना, इस आदत से आपको ठीक समय में काम करने नहीं देगा और ठीक समय में अपना काम को पूरा करने नहीं देगा। ये आदत इस प्रकार की आदत है, आपको ठीक समय में काम स्टार्ट करने नहीं देगा और ठीक समय में अपना काम को अंत करने नहीं देगा। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन जो ये शब्द है, डिले बनू और काम करेगा, ये आदत से बहुत सारे यूथ, बहुत सारे स्टूडेंट आज फेल हुआ है। जितने भी स्टूडेंट आज फेल हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी आपने लाइफ में, यही आदत के कारण कल करेंगे। एग्जाम आया है बेटी पढ़ो ना, बोलो से मैं तीन महीना है, तीन महीना फिर मैं बेटी पढ़ो नहीं, मैं तीन महीना है और एक महीना है, महीना घटते 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 दिन चला जाते, मां चार दिन है, नहीं बेटी भाई मेरा बेटा कोरोना, नहीं दो दिन है मां, और दो दिन फिर एक दिन में चला जाता, फिर आप नहीं मां शाम को है, हम 12 बजे को पढ़ेगा। इस प्रकार की आदत के कारण फेल 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 है। इसके आपको बहुत सारे बहुत ही आपको हम शत्रु होना होगा, इस आदत से आपका भविष्य बर्बाद होगा, इस आदत से आपका लाइफ बर्बाद होगा। इसलिए वचन भी आज बताता है कि जो काम करो आपको हमें करने के लिए दिया है, अभी करता है, आपका मां आपको दीदी मेरा बेटी मेरा बेटा इलेक्ट्रिक बिल तीर दो, इलेक्ट्रिक बिल भरो, झाकी भर देना है बस नहीं। इसलिए नेपाली में एक बहुत अच्छा शब्द है, काम साचे आफूलाई खाना साचे अरूलाई, कि कस्तो हो, काम साच्ने से आफ्नो कोही, काम नै गरे से आफै गर्न होला, लेकिन खाना राख्ने से दूसरे खाटेगा। इसलिए खाना को जबरदस्त खाना पड़ेगा जल्दी जल्दी और काम भी कंत करना। इसलिए जीवन की इस रास्ते में आपको हमें काम करेगा बोलने वाला, इस हैबिट से आपका जीवन बढ़ा बोलो मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं दो एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। सबसे पहले आपसे बहुत पहले एक घड़ी था, वो घड़ी का नाम था स्विच वॉच, स्विच वॉच वो कंपनी का नाम है स्विच वॉच। तो क्या हुआ कि संसार में इतना उसने मार्केट लिया, वो आजकल वो घड़ी नहीं है, स्विच वॉच बोलने वाला घड़ी नहीं है, इतना अच्छा मार्केट ले लिया, बहुत खुशी है, पैसा आ रहा है, बहुत खुशी है। तो 2400 वॉच भी आ गया, टाइटन आ गया, रोलेक्स आ गया, विभिन्न प्रकार की घड़ी जब आ गया तो मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिशन हो रहा है। और उस कंपनी का एक आदमी जाके ऑनर को बताता है, भाई बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है वॉच का, इसलिए वर्ल्ड आपका जा रहा है डिजिटलाइज की ओर जा रहा है, इसलिए हम भी जल्दी से जल्दी हमारे कंपनी और हमारे घड़ी को भी डिजिटलाइज करना होगा। इस ओनर को बोलता है अभी नहीं, बाद में करेंगे, फिर बोलते नहीं जल्दी करना होगा, नहीं बाद में करेंगे। इस बात में करने की आदत के कारण आज वो घड़ी नहीं है, वो पहले खत्म होकर चला गया, कंधा होकर बर्बाद हो गया। ये तो एक घड़ी का उदाहरण। दूसरी एक उदाहरण नोकिया मोबाइल, आपको मालूम है ना जब छोटा था, बाप रे वो नोकिया मोबाइल के लिए बाप रे ये सब लोग नोकिया मोबाइल के पीछे, अभी देखो नोकिया मोबाइल इतना नहीं है। तो क्या हुआ इस नोकिया मोबाइल का कंपनी खत्म, जब ये नोकिया मोबाइल तो इतना इंडिया को कितना जगह को क्या कर रहा था, पूरा रख दिया था, सबके हाथ में नोकिया, सबके हाथ में नोकिया, और नोकिया मोबाइल देखा के एकदम दिखाई के सब लोग वहां पर इंजॉय भी कर रहा था, अभी तो नोकिया देखा रहे बोल गया कुछ भी नहीं। तो क्यों हुआ, ये हुआ, उस काम करने वाला आदमी बोला, सर संसार में दूसरी दूसरी प्रकार की सैमसंग आया है, विभिन्न प्रकार के लाभा, विभिन्न प्रकार का ओप्पो, रेडमी, रियलमी, आईफोन से आया हुआ है, इसलिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसलिए हमें भी एक काम करना होगा, जल्दी से जल्दी हमें ये सॉफ्टवेयर की ओर जाना होगा, हम लोग हार्डवेयर को ही देखने होगा, हम लोग सॉफ्टवेयर की ओर जाना